खबर उरैया से, आखिरकार प्यार परवान चढ़ गया, चार से एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की जीत हो गई। घर वाले राजी ना होने के बाद भी दोनों की शादी कराई गई, शादी में दोनों पक्ष के लोग रहे मौजूद। खबर उरैया से, चार साल से रिलेशनशिप में रह रहे लड़का लड़की की कोतवाली उरैया में माला डालकर शादी कराई गई, उसके बाद दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई। पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहाँ एक लड़का लड़की चार साल से रिलेशनशिप में चल रहे थे, उसके बाद लड़के की नौकरी लग गई, किसके बाद लड़के के घर वाले शादी से मना करने लगे और लड़के की शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन लड़की द्वारा लड़के को बहुत समझाया गया, आखिरकार जीत प्यार की हो गई और एक दूसरे के हो गए। लड़की ने कहा, हम दोनों लोग एक हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं। प्रियंका क्या हुआ? मेरे मतलब हम लोगों को रिलेशनशिप के चार साल हुए थे। किसके साथ? वेद प्रकार के साथ में। कहाँ रहता था ये? वो सबदलपुर में रहता था, मेरापुर के पास में। क्या हुआ? और हम लोग बात करते रहे और उसने शादी का मतलब झांसा दिया कि हम शादी करेंगे, और तभी हमने अपने घर वालों से बोल दिया कि हम भी उससे शादी करेंगे, और लड़का भी नहीं दूसरी जगह देखा गया, और फिर चार साल तक हो गए हम लोग का रिलेशनशिप और वैसे ही। तो फिर इसके बाद में उसने मतलब बोला कि दूसरी जगह शादी फिक्स कर ली, फिर मुझसे कहने लगा कि मेरी मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, और फिर हमने समझाया बहुत कि मतलब मेरी इतनी हुई है और इसका क्या होगा, तो बोला कि चार मतलब चार दिन की बेइज्जती है, फिर वो ऐसी हो जाएगी कि दूसरी जगह शादी करो, मेरी प्रॉब्लम ये है वो है। तो हमने बहुत समझाया, फिर वो मुझसे मिलने मतलब कानपुर भी गया था और अरैया में भी आया, वहाँ भी मैंने समझाया उसको, वहाँ भी नहीं माना, फिर मैंने फिर उसको इन्फॉर्म किया कि लड़का मतलब मेरे साथ वैसे शारीरिक संबंध भी बनाए और हमसे शादी भी नहीं कर रहा है। मुझे जो कंपनी के हम दोनों लोग अरैया के थाने कोतवाली थाने पहुँचे, और फिर उसके बाद में वहाँ का गाँव का पुलिस वालों ने की पूछा, हमने उनसे कहा कि मतलब चार साल हो गए और ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तो फिर उसके बाद सर वहाँ रहते थे, उसका सुलानामा हुआ और हम लोगों का कोर्ट मैरिज हो गया। क्या पूरा मामला है? मनवर जो है एक प्रियंका लड़की थी, उसका एक अफेयर चल रहा था वेद प्रकाश नाम के लड़के से। वेद प्रकाश नाम का लड़का जो है कहीं सर्विस लग गई है एयरफोर्स में, तो उसकी शादी उनके घर वालों ने कहीं और तय करा दी थी, तो इन बात को लेके थोड़ा सा लड़के ने मना किया कि हमारी शादी कहीं और हो गई है संबंध, तो लड़की यहाँ आई मिलने के लिए बुलाया, यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया, तो विवाद उत्पन्न के बाद फिर मामला थाने तक पहुँच गया। थाने में जब जो पहुँचाया तो दोनों पक्षों में अभय पक्षों के रिश्तेदार चंद भले लोगों के बीच में समझौता हो गया, समझौता के बाद फिर वहाँ शादी करा दी गई। शादी के बाद ये लोग न्यायालय आए कि जब हमारा इकरारनामा करा दो अनबन पत्र, तो हमने अनबन पत्र बनवा के इन्हें रुखसत किया। क्या नाम आपका? विपिन कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट जिला उपाध्यक्ष राम सिंह पाल। आज आपकी लड़की के थाने में शादी हुई, क्या है पूरा मामला? अच्छा, कैसे क्या हुआ?